नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं दोस्तों आज तपोभूमि, देवभूमि, ऋषि भूमि ऋषिकेश में हूँ। प्रकृति की गोद में, माँ गंगा मैया की गोद में, कुदरत के वातावरण में परमात्मा का चमत्कार देखिए, उस ईश्वर का, भगवान का चमत्कार देखिए। उसने अनलिमिटेड एंजॉयमेंट के लिए हमें वातावरण दिया हुआ है। नदी की कोई लिमिट नहीं है, पहाड़ों की कोई लिमिट नहीं है, नदी नालों की कोई लिमिट नहीं है, पौधों की कोई लिमिट नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही ईश्वर ने आपको बनाया है। आपकी बुद्धि अनलिमिटेड है, आपके मन की शक्ति अनलिमिटेड है, आपकी आत्मा की शक्ति अनलिमिटेड है, आपका आज्ञा चक्कर अनलिमिटेड है। आप भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप उस परमात्मा की संतान हो, उस ईश्वर की संतान हो, उसके बहुत प्यारे बेटे हो, बहुत प्यारे बेटे हो। उसने आपको इम्पॉसिबल वर्ल्ड से दूर किया है। जो किसी गुरु का शिष्य है, अपने माता पिता का अच्छा बेटा है, अपने इष्ट को मानता है, सत्कर्म करता है, झूठ नहीं बोलता है, जलसी नहीं करता है, उसके लिए कुछ भी इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। आप आज से निश्चय करो कि मुझे मेरे जीवन का गोल क्या है, मेरा एम क्या है। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, जब भी शिष्य बनाते थे वो कहते थे, ये लाइन इतनी खींची है मैंने, इसको छोटी कैसे करना। तो जो उनके अच्छे शिष्य होते थे कहते, दूसरी लाइन बना देते, बोलते हम अपनी लाइन को बड़ा करेंगे। दोस्तों, कभी किसी को डाउन करने का नहीं सोचना, किसी के साथ जेलसी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना। इसके बाद आपकी भक्ति शुरू होती है, फिर आपका मंत्र जाप शुरू होता है, फिर आपका ध्यान शुरू होता है, फिर गुरु सेवा शुरू होती है। माता पिता का आदर करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना, और 20 मिनट के लिए जो भी मंत्र आपको दिया जाता है, आपके गुरु देते हैं, उस मंत्र का जाप करो। 20 मिनट जाप करने के पश्चात इस जगह पे मंत्र करते करते भी ध्यान करो। 20 मिनट के बाद कोई जाप नहीं, सिर्फ उस माँ से बातचीत, उस गुरु से बातचीत, उस देवता से बातचीत, भगवान से बात। माता पिता का थैंक्स करो जिसने आपको पैदा किया, ईश्वर का शुक्रिया करो जिसने उसको अथाह शक्तियाँ दी आपको, और फिर जो चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपका संकल्प है, उसके बारे विजन करो। विजन करते करते ऐसा सोचो कि आपका संकल्प पूरा हो गया, और फिर माँ का शुक्रिया करो, भगवान का शुक्रिया करो। देखना डे बाय डे आप कितना आगे बढ़ते हो। और दूसरी प्रार्थना प्रेजेंट में करना, धन्यवाद प्रेजेंट में करना, प्रेजेंट में सोचना। पास्ट तो चला गया, आपका है ही नहीं, आपके वश की बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, और फ्यूचर भी आपका नहीं है। ओनली प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो कर लोगे वही पास्ट बन जाएगा, वही फ्यूचर बन जाएगा। अगर आपके पास कोई नहीं मंत्र, तो महाकाली जी का ध्यान करके क्लीम काली का इनमय मंत्र का जाप करो। 6 महीने तक इस मंत्र का जाप करो, फिर दूसरा मंत्र। आगे बढ़ने के लिए संडे को न्यूज आर्क टाइम 10 बजे मॉर्निंग आप हमारे साथ फेसबुक में शामिल हो सकते हैं। मेडिटेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं भी सिखाने वाला नहीं हूँ दोस्तों, आपकी तरह छोटा सा साधक हूँ, इस विद्या का विद्यार्थी हूँ। माँ बहुत बहुत कृपा करे, आपके संकल्प पूरे हों, आप अच्छे इंसान बने, तरक्की करें, आगे बढ़ें। जय माता दी, नमस्कार।